हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहाँ हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड डैशबोर्ड। तो आज हम बात करेंगे टैबलू के अंदर डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं। हमने इससे पिछले जो वीडियो सीरीज में बात की थी टैबलू के फंक्शन और बाकी फीचर्स के बारे में, हमने एक डैशबोर्ड बनाया भी था। अब हम दूसरे डैशबोर्ड आपके साथ बना रहे हैं। सबसे पहले हम डेटा को कनेक्ट करते हैं। हमने एक्सेल डेटा को लिया है और ये डेटा फाइल है, हमने इसको कनेक्ट किया। तो डेटा है बेसिकली सेल्स का डेटा है, जी हाँ, ऑनलाइन जो सेल्स होती है वो सेल्स का डेटा है और इसी को हमने अभी यहाँ पे कनेक्ट किया है। और कुछ सेकेंड्स के बाद डेटा हमारा कनेक्ट होता है। इसमें मात्र वन ही शीट है, तो बाई डिफॉल्ट आ गया। अगर इस डेटा फाइल में कई सारे शीट्स होते हैं तो यहाँ पर शीट्स आते, फिर आपको उठा के ड्रॉप करना पड़ता था। ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में हमें कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कोई कॉलम ऐड वगैरह करना है, तो फिलहाल हम इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं, सीट पे जाते हैं पहले। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक सीट पे एक ही विजुलाइजेशन तैयार होती है, किसमें, आपके टैबलू में। तो हमें नेम, इसमें डेट वाइज जो हमारा डेट है, डेट वाइज क्वांटिटी का हमें यहाँ पे लाइन चार्ट चाहिए। हम यहाँ लाइन चेट ला दिया, जी हाँ, और ये ईयरली पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो हट जाएगा, ये हमारा ईयरली है। उसके बाद हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल, और इस पे वापस राइट क्लिक करके यहाँ मेक ए लेबल में हम यहाँ पे ऑलवेज शो पे क्लिक करते हैं, ताकि जो हमारा डेटा लेबल है वो डेटा लेबल यहाँ पे शो हो जाए। और जो टाइटल है, यहाँ पे हम टाइटल अपना दे देते हैं कि हमें टाइटल देना है ईयरली। कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ऊपर हेडिंग आ जाएगा। और इसमें मुझे फिल्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं डेट को ही फिल्टर में रखा। फिल्टर में रखते ही यहीं पे आपको बता देता है कि कितनी कौन सा चाहिए आपको। तो हमने यहाँ पे क्वार्टर्स को लिया, नहीं ईयर्स को लेता हूँ, एंड नेक्स्ट, और मुझे और सारे ईयर का डेटा चाहिए या कोई पर्टिकुलर ईयर का डेटा आपको नहीं लेना है, वो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम शीट पे, ये हमारा हो जाता है ईयरली क्वांटिटी। सीट का नेम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे एक्सेल सीट में आप देते हैं। अब यहां पे मुझे दूसरा जो चाहिए, दूसरा चाहिए हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पे क्वांटिटी, सोमी पे क्लिक करता हूं और यहां पे मैं इस वाली चार्ट को लेता हूं। मैं प्रोडक्ट को रख देता हूँ कलर में, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है उस पर क्लिक करता हूँ और उसमें मैं क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट बीन्स क्रिएट करता हूँ। तो क्वांटिटी है, हमने बोला 10 का निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट ले लिया है एंड ओके किया, और एक क्वांटिटी बीन्स को हम यहाँ रो सेक्शन में डाल देते हैं। और यहाँ से इसको मैं स्वैप भी कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी मैं यहाँ पे फिट टू विड्थ कर दिया ताकि ये बड़ा हो जाए। अब इसमें कलर है, अगर आप चाहो तो इसमें एडिट कलर पे क्लिक करके, मैं जैसे मैं ब्लू वाला कलर ले लिया और इसमें मैं सीडी को ले लिया, इसका कलर हम चेंज करते जा रहे हैं, थोड़ा सा अलग कलर आ जाता है। एंड अप्लाई, तो कुछ इस तरह का कलर आ जाएगा। अब वो जैसे इससे पहले कलर ठीक लगता था वो भी इसका यूज कर सकते हैं। अब यहां पे मैं
देन ओके, यहाँ पे स्लैब क्वांटिटी हमने दे दिया। फिर वापस चलते हैं, अब इसमें मुझे नेम वाइज और हमारा सेल्स मोड है, सेल्स मोड वाइज क्वांटिटी चाहिए, और इस पर हमने ये ठीक नहीं रहेगा, मैं इसी को लेता हूँ चेंज कर। ठीक है, ये अच्छा रहेगा, इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारा तीन आ गया, फिर हम यहाँ पे तीन, हम यहाँ पे टोटल्स लेना चाहते हैं इस बार, जो हम करना चाहते हैं वो टोटल्स चाहते हैं। तो जैसे कि हम क्वांटिटी में क्वांटिटी का टोटल चाहते हैं सबसे पहले, तो क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, और इसमें हम लिखते हैं सम, यहाँ पे सम नहीं, टोटल टोटल, और हम यहाँ सम का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वांटिटी को इस सम के अंदर में डाल देते हैं, इसका पूरा सम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हम इस सेल्स, यहाँ पे टोटल सेल्स जो कैलकुलेट होके आया है, इसको उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसकी जो है इसको थोड़ा सा फिट टू विड्थ कर देते हैं, फिट टू हाइट, टोटल सेल्स, और यहाँ पे मैं इसका नीचे हेडिंग दे देता हूँ, टोटल क्वांटिटी, और इंच को सिलेक्ट करके इसकी जो साइज है साइज को 36 कर देता हूँ, बोल्ड और अंडरलाइन भी करता हूँ, इसको अंडरलाइन नहीं करता हूँ, ऊपर अंडरलाइन करता हूँ, और इसकी कलर जो है ब्लैक से ब्लू कर देता हूँ मैं, और इसको अब स्टैंडर्ड फिट टू विड्थ कर देता हूँ, स्टैंडर्ड में देता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। अलाइनमेंट यहाँ पे ऑटोमेटिक
वापस इंटर, हाँ अब सही है। फिर वापस हम यहाँ पे रेवेन्यू का देखते हैं, रेवेन्यू, और यहाँ पे हम एमआरपी नहीं, यहाँ पे ग्रांड टोटल करके का है, हाँ ग्रांड टोटल, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू भाई कितना पैसा जनरेट हुआ है, और इसको सम के अंदर में हम डाल देंगे। इस सम को हम यहाँ रखेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, चलिए यहाँ पे और इस पे क्लिक करते हैं, और इसके नीचे रेवेन्यू का टाइटल देते हैं, और जो भी लिखना चाहते हो लिख देते, मैं टोटल रेवेन्यू ही जस्ट लिख देता हूँ, देन बोल्ड अंडरलाइन, इन सबों का साइज को मैं 36 कर देता हूँ, 36, देन अप्लाई। कलर भी रखना चाहते हो कलर कर सकते हो वापस। अब इसमें हम आते हैं फॉर्मेट में अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में मैं इसको सेंटर कर दिया, और फिर यहाँ पे फिट टू विड्थ पे क्लिक कर देता हूँ, फिट टू हाइट एंटायरली, अब बेटर है। उसके बाद कॉल्स, सेल्स के लिए कितने कॉल्स किए गए थे, तो वापस हम यहाँ पे कॉल्स को भी टोटल करना है हमें यहाँ पे, तो टोटल सेल्स और यहाँ पे सीआईडी टोटल कॉल्स, और यहाँ पे हम क्रिएट, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड। अब यहाँ पे मैं टोटल सी के नाम से, टोटल कॉल्स के नाम से है, और इसके अंदर सम, इसमें और भी जो कैलकुलेशन वगैरह जो करना होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह, वो आप इसमें कर सकते हैं, और इसको उठा के मैंने यहाँ रखा और टेक्स्ट में गया, इस पे क्लिक किया, इसके नीचे इसको लिया, बोल्ड किया, सिर्फ ऊपर वाले को अंडरलाइन किया, और इस बार इसका कलर जो है हम इसको अलग कलर देते हैं, रेड कलर, इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा 36 कर देते हैं, फ्लाई एंड ओके। और इसको जो है फॉर्मेट पे आते हैं, अलाइनमेंट, और इसको हाँ सेंटर सेंटर, इसको भी सेंटर और इसका भी सेंटर, उसके बाद यहाँ पे फिट टू हाइट, फिट टू इंटायर, तीन हो गया। अब यहाँ पे हम जो है आते हैं शोमी में, अब मुझे यहाँ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट वाइज मुझे यहाँ पे शेयरिंग चाहिए, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वाइज हमने यहाँ से शेयरिंग निकाल लिया, शेयरिंग सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक मार के, और यहाँ इसको फिट टू विड्थ, फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम पी और यहाँ हेडिंग देना चाहे तो मैं हेडिंग दे सकता हूँ, जो भी देना चाहते दे सकते हैं, तीन सीट दो सीट और ऐड करना है। अब इसमें जो हम करना है हमें साइड पेज तो ले ही चुके हैं, साइड पेज मुझे यहाँ पे हाँ साइट आ गया हमारा, साइट वाइज टोटल क्वांटिटी, और हमने
इसको ले हुआ और इसको भी एंटायर व्यू। लास्ट एक सीट और हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, सॉरी यहाँ एक सीट और, वो है हमारा मैप स्टेट एंड क्वांटिटी। नहीं स्टेट को नहीं, स्टेट को कलर में देते हैं, अलग अलग कलर होगा, सिटी को देते हैं लेवल में। अब सही है, एंड क्वांटिटी को भी हम लेवल में डाल देते हैं ताकि कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे दिख जाए। अब यहाँ पे मैप, अब मेरा यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे वर्टिकल चाहिए, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि ईयरली चार्ट हम यहां देते हैं और स्लैब उसके बगल में, और ये जो लास्ट में आया इसको हटा देता हूँ, सॉरी सॉरी कंट्रोल जेड। उसके बाद ए आपका इसके नीचे इसके बगल में, और ये जो है यहाँ पे इसको और थोड़ा सा इसको बड़ा करना है, स्टैंडर्ड की जगह पे एंटायर शीट कर दो इसको, लेआउट ये डिफॉल्ट फोन है, ये हटा देना है डिवाइस पे, ये बेसिकली फोन वाले पे चला गया है इस पे। साइज ये हाइट और विड्थ जो है अलग अलग हो गया है, ऐसे में बढ़ा सकते हैं। सोमिंग पे हटा देता हूँ, उसके बाद हमें क्वांटिटी को यहाँ रखना है, रेवेन्यू को इसके बगल में रखना है, और कॉल्स कॉल्स को उठा के यहाँ रखना है, जो अपने आप ऊपर चला जाता है। उसके बाद वापस इसको उठा के नीचे, उसको उठा के इसके नीचे, और मैप को इसके नीचे। ये जो साइड में ये जो आ रहा है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है।
इसमें एक चीज और भी है, इसकी जो शो डैशबोर्ड टाइटल्स, यहाँ डाल देता हूँ टाइटल, और सेटिंग में हमने इसमें कलर दे दिया है ये वाला। अब ये वाला कलर देने पे हुआ क्या कि आपका ये जो गड़बड़ है इसको थोड़ा सा इसको भी गड़बड़ है मैच कर देते। टाइटल हाइट टाइटल, इसमें टाइटल की जरूरत नहीं है, इसको भी टाइटल की जरूरत नहीं है, टाइटल जरूरत नहीं है, अब यहाँ हम इस पर इसको क्लोज करते हैं और आते हैं सो डेस्कटॉप टाइटल, और यहाँ पे हम देते हैं सेल्स डैश बोर्ड 2021 एंड इसको हम बोल्ड कर देते हैं और इसको अंडरलाइन कर देते हैं। लाइन वगैरह ऐड करना है इसलिए यहाँ पे नीचे रह गया, इसको ऊपर उठाना है ना ताकि एक एक सीध में आ जाए। ये आपका डैशबोर्ड बन के तैयार है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है, और भी बहुत सारी चीज इस पे की जा सकती है। तो लास्ट क्लासेस में हम अगली क्लासेस में इसके आगे की चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।